नमस्कार दोस्तों, आज का ये तीसरा वीडियो है लेपी सेल्व के ऊपर। ये सिलिको फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम है, बहुत ही अच्छा दवा है इन होम्योपैथिक में। इसके जो लक्षण हैं, ग्रंथियों के उपसर्ग हैं, गलगंड है, कैंसर से घाव बनने के पूर्व की अवस्था है, स्तन अमाशय जरायु में जलन, डंक मारने जैसी वेदना के लिए, ग्रंथियों के आसपास का संयोजक ऊतक विशेष रूप से आक्रांत हो जाता है। जिस आदमी को राक्षसी भूख लगती हो, जो बंदा मोटा हो, बहुत खाता हो, चार पांच लोगों का खाना अकेले खा जाता हो, अरक्त बच्चे हों जिनके शरीर के अंदर रक्त की कमी है, जिन्हें आयोडीन की जैसी भयंकर भूख लगती है, मलेरिया से पीड़ित रोगियों को छोड़कर कंठमाला जनित उपसर्गों में सुनिश्चित रूप से लाभदायक है, जरायु के कैंसर में, तंत्र अवरोधों में, जिन औरतों के गर्भाशय कैंसर हो, जिनके रसौली हो, जिनको फाइब्रोसिस के साथ साथ डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया हो, भयंकर जलन होता हो, भयंकर दर्द होता हो, औरतों के जननेंद्रियों से भयंकर प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील दर्द होता हो, खुजली होती हो, साथ ही रक्त का स्राव होता हो, तो दोस्तों पत्थर जैसी कठोर ग्रंथियों को या पत्थर जैसे कठोर जो गांठ होते हैं उनको गलाने में ये दवा अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों स्तन में जलन हो, अमाशय में जलन हो, जरायु में जलन हो, डंक मारने जैसी वेदना हो, कान में सूजन हो, वक्ष स्तन प्रदेश में दर्द हो, ग्रंथियों की कठोरता हो जो गांठे बन गई हो दोनों छातियों में, चर्म कंठमाला जनित जो कंठ में छोटे छोटे गिल्टियाँ बन जाती हैं, और ग्रंथियों की विशेषकर ग्रीवा ग्रंथि में जो वृद्धि और कठोरता, कर्कशीय मेदा मुक्त मांस युक्त और कैंसर युक्त तेज खुजली द्वारा कितने भी गांठें होती हैं दोस्तों, शरीर के किसी भी भाग में इतना गांठ हो जाए जो कष्ट इधर उधर भागता हो, टाइट हो या नरम